नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीते एक सप्ताह से हाल कपकपाने वाली ठंड देखने को मिली है। वही पूरे 7 दिन हो गए हैं जब ग्वालियर में सूरज के दर्शन ही नहीं हुए हैं। लगातार पड़ रही ठंड के चलते जनजीवन ठप्प हो गया है। लोग ठंड से बचने के लिए रजाई में दुबके हुए हैं। हालांकि इस बीच जिला प्रशासन ने शनिवार 6 जनवरी को ग्वालियर के सभी प्री प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी कर दिया है। बता दें कि इसका ऐलान हो चुका है। ग्वालियर के कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने एक आदेश जारी करते हुए बताया कि अत्यधिक ठंड के चलते शनिवार 6 जनवरी को कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक संचालित होने वाली सभी स्कूलों में अवकाश घोषित की गई है। हालांकि आदेश में आगे लिखा गया है कि कक्षा 6 से 12वीं तक की सभी कक्षाएं पहले की तरह ही संचालित किए जाएंगे। ग्वालियर में बीते एक हफ्ते से सीवियर कोल्ड डे के हालात बने हुए हैं। बीते 2 जनवरी से रात का पारा 9 से 10 और अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही बना हुआ है। इधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्वालियर से खंडवा तक उत्तर और दक्षिण की हवा मिल रही है, जिसके चलते ऊपर के हिस्से में ठंडक और नीचे के हिस्से में नमी बनी हुई है, जिसके चलते ग्वालियर में दिन और रात के तापमान में सिर्फ 3.8 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी ग्वालियर वासियों को सूरज के दर्शन के लिए 2 से 3 दिन और इंतजार करना होगा, क्योंकि ठंडी हवा बहने से नमी बनी हुई है। जिले में फिलहाल बादल छाए रहेंगे। 1-2 दिन में बूंदाबांदी के भी आसार है। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल में कोहरा भी छा सकता है।